हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी में गठान के बारे में कि उसमें ऑपरेशन की जरूरत कब होती है। बच्चेदानी की गठान को लेकर के अक्सर लोग परेशान रहते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें ऑपरेशन करा ले तो हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, या हम इसमें ऑपरेशन कराएं या नहीं कराएं, कितनी जरूरत है ऑपरेशन की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये समझने की कि आखिर फाइब्रॉइड्स या जिन्हें आम भाषा में बोला जाता है गठान या रसौली, ये है क्या। बच्चेदानी एक मांसपेशियों की थैली होती है जो कि कुछ मसल फाइबर्स से बनी हुई होती है। किन्हीं कारणों की वजह से जो अभी तक साइंस में पूरे तरीके से नहीं जाने गए हैं, कहीं कहीं पे फोकल यानी कि कुछ मसल फाइबर्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से बच्चेदानी में गठान, ट्यूमर या फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं। जो सबसे अहम बात होती है जिसको लेकर के लोग परेशान रहते हैं और डरते हैं कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा, और इस डर के चलते वो ऑपरेशन कराने की जल्दी में रहते हैं या ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए एक मैं खास बात बोलना चाहूंगी कि फाइब्रॉइड में कैंसर का खतरा उतना ही रहता है जितना कि एक बिना फाइब्रॉइड की बच्चेदानी में रहता है। यानी कि फाइब्रॉइड किसी भी तरीके के कैंसर को बहुत सिग्निफिकेंटली या सिग्निफिकेंटली बढ़ाते ही नहीं है। तो ये सोचना कि इसमें कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, जैसे ही फाइब्रॉइड पता चले उसे निकाल देना चाहिए, कि बहुत गलत बात है। इसमें कैंसर का कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होता है, ये एक बेनाइन ट्यूमर होता है। अब बात आती है कि आखिर कब फाइब्रॉइड्स में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। केवल वो फाइब्रॉइड जिससे हमें परेशानी हो रही है उनमें ही सर्जरी की जरूरत होती है। बाकी के फाइब्रॉइड्स जो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि जिससे आपको कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, आप किसी रूटीन चेकअप के लिए गए या किसी और समस्या के लिए आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया या चेकअप कराया और उसमें डायग्नोस हुआ कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, आप इन फाइब्रॉइड्स को छोड़ सकते हैं। जरूरत होती है तो सिर्फ इतनी कि आप टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहिए जानने के लिए कि कहीं ये फाइब्रॉइड्स साइज में इंक्रीज तो नहीं हो रहे हैं। फाइब्रॉइड्स में सर्जरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं वो डिपेंड करती है कुछ चीजों पे। उन चीजों को एनालाइज करके देखा जाता है कि फाइब्रॉइड्स सर्जरी मांग रहे हैं या नहीं। सबसे पहला होता है सिम्टम्स यानी कि लक्षण। केवल वो फाइब्रॉइड जिससे आपको परेशानी हो रही है, यानी कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, प्रेशर इफेक्ट्स आ रहे हैं। प्रेशर इफेक्ट्स मतलब कि फाइब्रॉइड इतना बड़ा हो गया है जिसके चलते आपकी पेशाब की थैली पे प्रेशर आ रहा है, जिससे आपको बार बार यूरिन जाने का लग रहा है, या लैट्रिन के रास्ते पे प्रेशर आ रहा है तो हमेशा आपको एक नीचे हैवीनेस लगी रहती है, या फाइब्रॉइड इतना बड़ा हो गया है कि आप पेट पे हाथ रख करके उसे महसूस कर पा रहे हैं, एक बंप जैसा आपको महसूस हो रहा है। तो ये सब होते हैं बिग फाइब्रॉइड्स के प्रेशर इफेक्ट्स। तो अगर इस तरीके के कुछ लक्षण आ रहे हैं तो हाँ, हमें सोचना पड़ सकता है कि सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। या अगर आप इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा नहीं रुक रहा है और बाकी के सब टेस्ट नॉर्मल है, रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी कि बार बार गर्भपात हो रहा है, आपने अपने और अपने हस्बैंड के भी बाकी टेस्ट करा लिए हैं, कहीं कुछ और प्रॉब्लम नहीं निकल रही है, सिर्फ फाइब्रॉइड ही एक लक्षण आ रहा है, तो ये सब चीजें हैं, ये सब कंडीशंस हैं जहां पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी डिसाइड करते टाइम मेनली ध्यान रखा जाता है कि फाइब्रॉइड की पोजीशन क्या है। फाइब्रॉइड की पोजीशन मतलब कि वो सब सीरोजन यानी कि बच्चेदाने की बाहरी सरफेस पे है, इंट्राम्यूरल यानी कि बच्चेदाने की अंदर की दीवाल में है, सब म्यूकस यानी कि वो जगह जहां पे बच्चा टिकता है जस्ट उसके नीचे ये गठान है और उस जगह को डिस्टॉर्ट यानी कि खराब कर रही है। तो सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स जो रहते हैं ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहते हैं, इनमें सबसे ज्यादा लक्षण आते हैं। तो सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स अगर डायग्नोस होते हैं तो ज्यादातर इन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जो सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स रहते हैं यानी कि बच्चेदानी की बाहरी दीवार पे जो फाइब्रॉइड्स रहते हैं, ये ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, किसी तरीके की परेशानी नहीं करते हैं जब तक कि इनका साइज बहुत बड़ा नहीं हो। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हो सकता है परेशानी करें, हो सकता है नहीं करें। तो इंट्राम्यूरल अगर फाइब्रॉइड्स है तो फिर हम बाकी और चीजों को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि सर्जरी की जरूरत होगी या नहीं। तो फर्स्ट फैक्टर था साइज, सॉरी लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स यानी कि पोजिशनिंग। सेकेंड अब आता है साइज। क्या साइज मैटर करता है फाइब्रॉइड की सर्जरी के लिए? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी।
कभी कभी बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स यानी कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि कैविटी बच्चेदानी के अंदर में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं एक तरीके के पॉलिप के जैसे, तो डेफिनेटली यस छोटे फाइब्रॉइड्स को भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और कभी कभी बड़े फाइब्रॉइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर्स के भी हैं, बच्चेदानी की बाहरी दीवार पे है लेकिन अगर आपको कोई लक्षण नहीं दे रहे हैं तो हम ऐसे फाइब्रॉइड्स को छोड़ भी सकते हैं। तो साइज एक कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है डिसाइड करने का जब तक कि इसके साथ में एसोसिएटेड कंप्लेंट्स नहीं हो ये तय करने का कि सर्जरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर रैपिड इंक्रीज इन साइज हम नोटिस कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमें पता है कि हमारी बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है, कुछ परेशानी नहीं है और आप टाइमली उसको साल में एक बार अल्ट्रासाउंड के जरिए मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर लगभग 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ साल में एक बार आ रही है तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा ग्रोथ फाइब्रॉइड्स दे रहे हैं या ऑब्जर्वेशन के टाइम पे वो साइज के साथ में अब आपको तकलीफ भी होनी स्टार्ट हो गई है तो डेफिनेटली यस हमें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहते हैं तो ये जो एक मोटी मोटी बात है समझने की वो ये है कि फाइब्रॉइड्स में कैंसर का कोई एडिशनल रिस्क नहीं होता है, तो कैंसर से घबराने की बात नहीं है। हर तरीके के फाइब्रॉइड को सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, इनफैक्ट ज्यादातर फाइब्रॉइड्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं होती है, हम उसे इजिली छोड़ सकते हैं। और वो फाइब्रॉइड जिससे हमें परेशानी हो रही है उनमें से भी काफी हद तक चीजों को हम लोग मेडिकली यानी कि बिना सर्जरी के मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ वो ही फाइब्रॉइड जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं, सब म्यूकस या इंट्राम्यूरल हैं, उसके साथ में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है खासकर हैवी ब्लीडिंग की या रिकरेंट मिसकैरेजेस की या इनफर्टिलिटी की और वो मेडिकली मैनेज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ यही वो कैटेगरी होती है रैपिडली इंक्रीजिंग फाइब्रॉइड्स जो रहते हैं, इनमें हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बाकी जगह हम लोग सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं या सर्जरी की जगह मेडिकली भी हम लोग फाइब्रॉइड्स को मैनेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपके और सवाल है या आप कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करिए, हम टाइम टू टाइम उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बना करके आपकी क्वेरीज का आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।